दोस्तों भारतीय रेलवे का ध्यान पूरी तरह से अब नई जमाने की नई ट्रेन यानी कि स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस पर केंद्रित है। जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश भर में दौड़ रही है, तो वहीं अब रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन चलाने की तैयारी में लगा है। और बिल्कुल नई खबर निकल कर सामने आ चुकी है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए ढेरों सारी स्लीपर बर्थ बनाई जाएगी और यह MP में पूरी तरह से तैयार की जाएगी। इस प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर के पास वंदे भारत स्लीपर के बर्थ बनाने के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। यहाँ कंपनी अपना प्लांट लगाना शुरू भी कर चुकी है। दोस्तों वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर बर्थ इंदौर के पास पीथमपुर में बनेगी। इसके लिए रेलवे का फिनेकल इंडस्ट्रीज के साथ करार हुआ है। कंपनी ने बर्थ बनाने के लिए प्लांट लगाना शुरू करने का कवायद चालू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह प्लांट अगले साल तक शुरू हो जाएगा, जहां हर साल 15,000 नई बर्थ बनाई जाएगी। दोस्तों इससे साफ जाहिर होता है कि वंदे भारत स्लीपर को पूरी तरह से काफी शानदार लुक दिया जाएगा और इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी, क्योंकि सिर्फ वंदे भारत स्लीपर के लिए हर साल लगभग 15,000 नई बर्थ तैयार की जाएगी, ताकि इसके मेंटेनेंस में तो कोई कमी न आए। साथ ही कई सारे स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस को दौड़ाया जा सके। दोस्तों बता दें कि स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला ट्रायल 15 अगस्त तक कराने की पूरी कोशिश है। इसके साथ ही धीरे धीरे इसे कई सारी रूटों पे लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों क्या होगा स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट, इससे कई सारी मीडिया रिपोर्ट देखने को मिली है, जहां लगभग 10 रूटों का चयन किया गया है। लेकिन इसमें किस रूट पर पहली बार स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस को दौड़ाया जाएगा, इसके कोई भी ऑफिशियल बयान निकल कर सामने नहीं आया है। हालांकि जैसे ही ऑफिशियल नोटिस निकल कर सामने आती है, आपको पूरी अपडेट देखने को मिल जाएगी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों रेल अधिकारियों के अनुसार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अधिकतम गति अन्य ट्रेनों से काफी ज्यादा अधिक होगी, जिसे संभवतः 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जाएगा और धीरे धीरे इसके रफ्तार को और भी ज्यादा इनहांस किया जाएगा। और इसके लिए इसके कोच और बर्थ को काफी खास स्टाइल में बनाया जा रहा है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा तय करेगी और ऐसे में यात्रियों को लेटने और बैठने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि इसे काफी खास ध्यान देकर बनाया जा रहा है। पिनेकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के प्रेसिडेंट अरिहंत मेहता के अनुसार पीथमपुर में स्लीपर की बर्थ बनाने के लिए कंपनी का 4th प्लांट लगाया जा रहा है। यहां कंपनी के 3 प्लांट पहले से ही है और नए प्लांट में सिर्फ रेलवे कोच के लिए बर्थ और एम्बुलेंस बनाई जाएंगी। यह प्लांट अगले साल यानी 2025 के शुरुआती 3 से 4 महीने में प्रारंभ हो जाएगी। तो कैसी लगी दोस्तों यह नई अपडेट, नीचे हमें कमेंट कर देना। साथ ही जाते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।